हमको उस वक्त ये बताया गया था कि ये सारे चिल्ड्रन होम बंद करवा दिए गए। अनफॉर्चुनेट ये रहा कि आज जब हम लोग भुवनेश्वर में एक होम पर पहुँचे, वहाँ हमको पता चला कि वो उसका हेड क्वार्टर है। वहाँ पे गुड न्यूज़ इंडिया का चर्च था, एक बड़ा दफ्तर था कॉरपोरेट की तरह, जिसमें कई सारे कर्मचारी काम कर रहे थे, और एक ट्रांजिट होम की तरह भी वो जगह काम कर रही थी। चार मंजिलें थीं, एक मंजिल पे ट्रांजिट होम किचन था, एक मंजिल पे चर्च था, एक मंजिल पे स्टाफ रह रहा था, और एक मंजिल पे दफ्तर था। उन्होंने हमको ये बताया कि उनके लगभग 30 फैसिलिटीज़ अभी भी चल रही हैं, जिनमें 3,000 से ज़्यादा बच्चों को रखा गया है, एंड नन ऑफ देम इज़ रजिस्टर्ड अंडर एनी एक्ट। उनकी वेबसाइट का अवलोकन करने से ये पता चलता है कि वो डेस्टिट्यूट बच्चों के नाम पर भारी मात्रा में फॉरेन फंडिंग्स कलेक्ट कर रहे हैं और गलत तरीके से इन चिल्ड्रन होम्स को चला रहे हैं। इस मामले में हमने आज जो रिव्यू मीटिंग थी उसमें अधिकारियों को ज़रूरी निर्देश दिए हैं, हम दिल्ली जाकर के नोटिस जारी करेंगे। ये भुवनेश्वर एयरपोर्ट से कोई 15-16 के किलोमीटर के आसपास कटक रोड पे, जगह का नाम अनंतपुर जगह का नाम था, वहाँ जाके एक से गांव के अंदर है, पर वो गांव के ये हमारा काम है। They are still keeping children in many parts of India. What would be your action? जैसे पहले था वैसा दोबारा करेंगे, बंद कराना है तो बंद कराना। देखिए, भारत में किशोर न्याय अधिनियम है और वो ये कहता है कि अगर किसी भी बच्चों को आपको इस तरीके से रखना है, आप वैध लाइसेंस लीजिए जिससे कि निगरानी में रहे। अगर कोई समाज सेवा करना चाहता है, बच्चों के पालन पोषण पे खर्च करना चाहता है, सेवा देना चाहता है, तो कानून की विधिमान्य प्रक्रिया का पालन करिए। बगैर रजिस्ट्रेशन के बच्चों को रखना गलत है और उसके खिलाफ हम लड़ाई लड़ेंगे। यस, अभी हमने अभी उनके लिए ये जानकारी नई थी। उनका कहना ये है कि हमको नहीं पता था कि ये चल रहा है। ट्रांजिट होम में हमको एक लड़का मिला, उसने ये बताया कि वो 18 साल का हो चुका है, वो एक डिस्ट्रिक्ट के चिल्ड्रन होम से आया था वहाँ पे और फायर सेफ्टी की कोई ट्रेनिंग ले रहा था। उसने ये बताया कि 5-6 बच्चे और वहाँ पे उसके साथ रह रहे हैं। चूँकि वो बच्चे उस वक्त वहाँ नहीं थे, हम एज वेरीफाई नहीं कर पाए, पर हमने वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट को नेसेसरी डायरेक्शंस इशू किए। हमने सारी लोकेशंस के बारे में जानकारी मांगी है, स्टेट अथॉरिटीज़ को भी बोला है और उसको भी बोला है कि हमको सारी जानकारी दो, कहाँ कहाँ कितने बच्चे रखे गए हैं। असल मुद्दा यह है कि वो बच्चों के नाम का इस्तेमाल करके भारी मात्रा में फॉरेन फंड ले रहा है और बच्चों को कन्वर्ट कर रहा है। ये गुड न्यूज़ इंडिया करके एनजीओ है जो कनाडा में और अमेरिका में इसके ऑफिस हैं। नाम इसका कोई रहमान सम नाम है उसका। पहले इन पर पॉक्सो का मामला दर्ज हुआ है, उसके बावजूद ये लोग इस तरीके से चला रहे हैं, ये बड़ी बात है। ये इनका हेड है और ये इसकी नागरिकता के बारे में भी नहीं पता कहाँ का है।
ये पिछली बार भी नहीं पकड़ा ही आया था, इस बार भी नहीं पकड़ा ही, अभी भी वो वहाँ पे था नहीं। इनफैक्ट जब लास्ट टाइम हम लोगों ने उड़ीसा के बाहर छत्तीसगढ़ में इससे संबद्ध एक चिल्ड्रन होम को विजिट किया था, इन्होंने बच्चों को छिपा दिया था। मेरे पास एविडेंस था इस बात का कि एक बच्चे को हमने वाटर टैंक में से रेस्क्यू किया था, 2018-19 का है। सेम गुड न्यूज इंडिया, दे आर इन वेस्ट बंगाल, दे आर इन उड़ीसा एंड दे आर इन छत्तीसगढ़ एंड दे हैव ए प्लान टू बिल्ड 100 ऑर्फनेजेस चिल्ड्रन होम इन नॉर्थ ईस्ट इंडिया। दे हैव मैंशनड इट ऑन देयर वेबसाइट, दे हैव मैंशनड दे आर वर्किंग टू ब्रिंग चिल्ड्रन ऑन द पाथ ऑफ गॉस्पेल एंड फॉर दिस पर्पज दे आर गेटिंग ह्यूज फॉरेन फंड्स। दिस इज कन्वर्जन, दिस इज इलीगल कन्वर्जन। इन ए स्टेट लाइक उड़ीसा वी हैव अ फ्रीडम ऑफ रिलीजन एक्ट सिंस 1967। दिस काइंड ऑफ वायोलेशन कैन नॉट बी टॉलरेटेड and we will take strict action against such organization. Christian, this Rahman is converted Christian. नाम उसका मुस्लिम दिखता है, मैं नाम में कुछ कंफ्यूज हूँ, आपको एक बार वेबसाइट पे, आप लोग प्लीज वेबसाइट उसकी गूगल कर लेंगे तो मिल जाएगी। अभी जो उसने आज बताया वो ये बताया कि नॉर्थ ईस्ट में शो खोलना चाहते हैं, बंगाल उड़ीसा और छत्तीसगढ़ में वो एग्जिस्ट करते हैं, और उड़ीसा में कम मात्रा में नहीं है, उड़ीसा में उनके 2 दर्जन से ज़्यादा चिल्ड्रन होम रनिंग ऑपरेशनल इन विच दे आर हैविंग 24-25 अराउंड, दे आर हैविंग टोटल 30, आउट ऑफ देम 24-25 आर इन उड़ीसा इटसेल्फ। डेफिनेटली करेंगे, हमको रिलेवेंट डॉक्यूमेंट मिल जाए उसके बाद हम FIR भी कराएंगे। कहाँ जाएगा बच करके, चिल्ड्रन होम चला रहा है, डॉक्यूमेंटेड एविडेंस उसकी वेबसाइट पे है, स्टेट गवर्नमेंट का काम है ढूंढ के लाएगी, पुलिस का काम है इन्वेस्टिगेशन करेगी ढूंढ के लाएगी। ये सब इंक्वायरी का विषय है, अभी तो प्रिलिमिनरी स्टेज पर मैं आपको बता रहा हूँ, ये फर्दर इंक्वायरी का सब्जेक्ट। देखिए जैसे आज मेरे को एक विजिटर रजिस्टर वहाँ पे मिला, जो कौन गढ़ का था, वो एक डिस्ट्रिक्ट, किसी डिस्ट्रिक्ट का था, नहीं झारसूगड़ा नहीं, देवगढ़ डिस्ट्रिक्ट है रजिस्टर। उस रजिस्टर के अकॉर्डिंग एक लंबे समय तक वो रजिस्टर्ड चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशन की तरह चल रहा था, फिर वो बच्चे कहाँ गए, उसने बंद कर दिया, बंद करके वो बोलता है कि हॉस्टल चला रहे हैं, दैट इज़ ए इलीगल एंटिटी। तो बच्चे जो CWC's के ऑर्डर से वहाँ थे वो कहाँ गए, ये सब बहुत सारे मामले हैं जो फर्दर मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन है, विच वी विल आस्क पुलिस टू इन्वेस्टिगेट एंड सबमिट अ रिपोर्ट टू अस। अगर कोई रजिस्टर्ड फैसिलिटी होगी तो बच्चे CWC भेजता है वहाँ पर, तो दैट ऑल आर द सब्जेक्ट, दैट ऑल मैटर्स आर सब्जेक्ट टू फर्दर इन्वेस्टिगेशन बाय पुलिस एंड अदर अथॉरिटीज। हमने FCRA रजिस्ट्रेशन की कॉपी मांगी है, उसके बाद हम MHA से पूछेंगे। ये सब चीज़ें सेक्शन 76 जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के अंतर्गत बच्चों के आगे करके, बच्चों के नाम, बच्चों के द्वारा, बच्चों के माध्यम से भीख मांगना सेक्शन 76 जुवेनाइल जस्टिस एक्ट में अपराध की श्रेणी में आता है, और अगर ये काम कोई ऑनलाइन कर रहा होता है तो उसमें सेक्शन 67 IT एक्ट के भी प्रावधान उल्लंघित होते हैं, इसलिए इस मामले में FIR दर्ज की जानी चाहिए। आपने हमको जानकारी दी है, हम अकॉर्डिंगली स्टेट गवर्नमेंट को इस बारे में बताएंगे FIR दर्ज करने के लिए अनुशंसा करेंगे। उसकी वेबसाइट पे नंबर ऑफ चिल्ड्रन हमने पूछा है, पर बाकी सारी जानकारी उसकी वेबसाइट पे है, नहीं पता मुझे। नो 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 नो
I came for a review meeting, a state level review meeting with 14-15 line departments which are responsible for production and welfare of children. We are conducting review meetings with every state. कोविड के कारण दो साल रिव्यू नहीं हुआ. कोविड के बाद रिव्यू इसलिए नहीं हुआ क्योंकि हम लोग जो बच्चे की प्रॉब्लम्स थी, स्कूल्स बंद थे, हम धीरे धीरे पटरी पे आए तो हमने रिव्यू शुरू किए हैं. तो ये हमने लद्दाख किया, श्रीनगर किया, हमने महाराष्ट्र किया, हमने झारखंड किया, हमने दिल्ली स्टेट का किया, त्रिपुरा का किया और अब ये आज उड़ीसा का किया, तो शुरू किया है. बहुत अच्छी बातें भी हैं, कुछ बुरी बातें भी हैं. अच्छी बात ये है कि कोविड के बाद उड़ीसा की कार्य प्रणाली में एक बड़ा बदलाव आया है जिसको मैं ऑफिशियल कैपेसिटी में अप्रिशिएट करना चाहूँगा. वो ये है कि जो CNCP बच्चे हैं जिनको मदद और देखभाल की ज़रूरत है, पहले ये होता था कि सारे बच्चों को यहाँ चिल्ड्रन होम में डाल दिया जाता था. बदलाव यह आया है कि आज की तारीख में उड़ीसा लगभग 50,000 बच्चों को नॉन इंस्टीट्यूशनल केयर में मदद कर रहा है, आर्थिक मदद दे रहा है जिससे कि उनको अनाथ आश्रमों में, ऑर्फनेजेस में नहीं रहना पड़ रहा. जबकि अनाथ आश्रमों में रहने वाले बच्चों की संख्या 8,000 है, उनमें से भी गवर्नमेंट फंडेड में या गवर्नमेंट के ऑर्फनेजेस में लगभग 4,000 के आसपास बच्चे हैं, 4,500 के आसपास. कुल मिलाकर कहने का तात्पर्य यह है कि सरकार जितना पैसा खर्च कर रही है इंस्टीट्यूशनल केयर में उससे 10 गुना ज़्यादा बच्चों की मदद कर रही है नॉन इंस्टीट्यूशनल केयर में. ये एक बड़ा पॉजिटिव बदलाव है जो ये दिखाता है कि किशोर न्याय अधिनियम 2016, उसमें हुए अमेंडमेंट 2021 और किशोर न्याय अधिनियम के जो रूल्स बने 2022 में, उसका बढ़िया सामंजस्य के साथ इम्प्लीमेंटेशन उड़ीसा में हुआ. जो दूसरी बातें हैं जिस बारे में हमने आज यहाँ पे बात की, उनमें डिसेबल्ड बच्चों को लेकर के बात हुई, उनमें उन बच्चों को लेकर के बात हुई जो नशे से प्रभावित हैं, जो बच्चे विधि बाधित हैं उनको लेकर के बात हुई, पॉक्सो विक्टिम्स को लेकर बात हुई, स्ट्रीट चिल्ड्रंस को लेकर के बात हुई. सभी प्रकार के आयामों पर, स्कूल एजुकेशन से लेकर के राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम, सभी आयामों पर विस्तृत चर्चा हुई है. मैं आप लोगों का ध्यान इस तरफ भी लाना चाहूँगा कि शिक्षा का अधिकार कानून की धारा 29 ये निर्दिष्ट करती है कि बच्चों की पढ़ाई करिकुलम फ्रेमवर्क के अकॉर्डिंग होगी. करिकुलम फ्रेमवर्क SCERT राज्य बनाएगा, NCERT भारत में पर के लिए बनाएगी. एक ICSE बोर्ड है जो एक इल्लीगल बोर्ड है, जिसके बोर्ड होने के लिए कोई लीगल दस्तावेज उनके पास वो कभी प्रस्तुत नहीं कर पाते. उन्होंने गलत तरीके से उड़ीसा के हाई कोर्ट में केस करके एक स्टे लिया हुआ है. उस स्टे के आधार पे वो लोग देश भर के लगभग 2,500 स्कूलों में किताबें बेचने का काम कर रहे हैं और एक गलत प्रैक्टिस को बढ़ावा देने का काम कर रहे हैं. उड़ीसा के तारतम्य में जो और दूसरी बातें आज हुई, उनमें एक महत्वपूर्ण बात जो स्कूली बच्चों को लेकर के हुई वो ये कि 4,000 के आसपास ऐसे बच्चे हैं जो दिव्यांग हैं और स्कूल रेगुलर नहीं आ रहे हैं, तो हमने निर्देश दिए हैं कि उनकी होम बेस्ड लर्निंग और उसके साथ साथ उनको पेंशन, उनके डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट ये बनाए जाए. हमने राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम का डाटा, स्कूल एजुकेशन और डिसेबिलिटी वेलफेयर डिपार्टमेंट के साथ कन्वर्ज किया जाए, इस बारे में निर्देश दिए हैं. HIV पॉजिटिव बच्चों की एक बड़ी संख्या उड़ीसा में है, उन सब बच्चों को योजनाओं का लाभ मिले, खासतौर पे आर्थिक सशक्तिकरण की योजनाओं का लाभ मिले, इस बारे में भी हमने आज निर्देश दिए हैं.
बाकी मीटिंग के मिनट्स जैसे बनते हैं हम आपके साथ शेयर करें। थैंक यू। कोई क्वेश्चन आपने तो अपने अर्लियर वी हैड इंस्पेक्टेड इन 2018, देन स्टेट गवर्नमेंट इन्फॉर्म्ड अस दैट दे हैव बीन शट डाउन। नाउ टुडे आई केम टू नो कि दे आर स्टिल रनिंग। सो राइट नाउ आई कांट से फ्रॉम हाउ लॉन्ग दे आर वर्किंग, बट दिस इज द हिस्ट्री ऑफ दिस केस। हमारा काम है ये पता करना कि जो चीज़ बंद है वो खुल ना जाए, तो हमने वो काम किया अपना। अब ये राज्य सरकार का काम होना चाहिए कि पता करती। चर्च उसके अंदर मिला, ये हमने आज बोला, हमने उनको बताया कि चिल्ड्रन स्ट्रीट सिचुएशन जो पोर्टल है आयोग का, उसका उपयोग ठीक तरीके से नहीं हो रहा है। आयोग के कई पोर्टल्स का उपयोग ठीक तरीके से नहीं हो रहा है, जैसे बच्चों को रिपेट्रिएट करने के लिए घर पोर्टल है, चिल्ड्रन होम के इंस्पेक्शन के लिए मासी पोर्टल है, इन सब का उपयोग ठीक ढंग से हो वो हमने निर्देश दिए हैं। अगर ये उपयोग ठीक ढंग से होगा तो इस तरीके की समस्याएं खत्म होंगी। भारत दुनिया के उन गिने चुने देशों में है जहां स्ट्रीट चिल्ड्रन के लिए एक पूरा का पूरा स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है, जहां स्ट्रीट चिल्ड्रन के लिए पॉलिसीज़ हैं, जहां स्ट्रीट चिल्ड्रन को साइलोज में नहीं देखा जाता। एज पर इंडियन पॉलिसी इनके परिवारों को, पूरे के पूरा परिवार को समृद्ध और सशक्त बनाने की बात की जाती है, जिससे कि बच्चों को सड़क पर ना रहना पड़े। ये पॉलिसी ये बात भी नहीं करती कि सड़क पर रहने वाले परिवार के बच्चे को छीन के चिल्ड्रन होम में डाल दो। उस परिवार को सरकार की विभिन्न योजनाओं के माध्यम से कैसे कैसे लाभ पहुंचाया जा सकता है ये बात करती है। तो होना चाहिए उसके इम्प्लीमेंटेशन बेहतर ढंग से हो, आज उनको ताकीद की। सोनभद्र में वो फर्दर मैटर ऑफ इंक्वायरी एंड इन्वेस्टिगेशन है, हमने आज उसको स्पीकिंग ऑर्डर्स दिए हैं कि ये डॉक्यूमेंट्स हमको लेके आओ। अगर वो रेस्ट हाउस में देखे क्या होगा तभी हमको पता चलेगा, नहीं गया होगा तो स्टेट गवर्नमेंट, देखिए स्टेट गवर्नमेंट का काम होता है इमीडिएट बंद करवाना। चीफ सेक्रेटरी के संज्ञान में होने के बाद अगर बंद नहीं हुए तो स्टेट का फेलियर, लेकिन ये बंद हो ये इंश्योर करना हमारा काम है, तो हम उनके पीछे अपले रहेंगे। हमने सेक्रेटरी वुमेन एंड चाइल्ड को बताया, वही नोडल की तरह इस मीटिंग में थी। देखिए उड़ीसा में अवैध धर्मांतरण की समस्या आज से नहीं है, जब 1967 में उड़ीसा वो पहला राज्य था जहाँ पे धर्मांतरण के विरोध में कानून बनाया गया। उसके बावजूद अगर हमको 2023 में ये बात करनी पड़ रही है कि यहाँ पे बच्चों का गलत तरीके से धर्म परिवर्तन किया जा रहा है, तो ये बात पूरे राज्य के लिए शर्मनाक है। और ये अवैध धर्मांतरण की फैक्ट्रियों को इमीडिएटली बंद होना चाहिए। हमने इसी तारतम्य में मदरसों के बारे में भी जानकारियाँ इकट्ठी करने के लिए निर्देश दिया है। हमको एक चौंकाने वाली बात यहाँ पता चली कि राज्य सरकार खुद भी एक मदरसा चलाती है। ये बुरी बात इसलिए है क्योंकि भारत के संविधान का अनुच्छेद 21 का आर्टिकल 21A ये कहता है कि 6 से 14 साल की आयु में हर बच्चे को फ्री एंड कंपलसरी राइट टू एजुकेशन होगा, और इसके लिए सरकार कानून बनाएगी। सरकार ने राइट टू एजुकेशन एक्ट बनाया, भारत की संसद ने बनाया, सरकार ने प्रस्तुत किया, और वो एक्ट ये कहता है कि बच्चों को स्कूलों में दाखिल करने की जिम्मेदारी सरकार की है, और स्कूल को वो धारा 2N में डिफाइन करता है, और धारा 1 में वही एक्ट मदरसों को राइट टू एजुकेशन एक्ट के बाहर बताता है। अब आप लोग अपने विवेक से सोचिए, राज्य सरकार का पैसा स्कूल बनाने, स्कूल चलाने, बच्चों को स्कूल में दाखिल करने पे खर्च होना चाहिए, या मदरसा बनाने, मदरसा चलाने, मदरसे में बच्चों को लाने पर खर्च होना चाहिए। हम किसी भी प्रकार की धार्मिक शिक्षा के विरोधी नहीं हैं, लेकिन सरकार का जो काम है वो ये है कि बच्चों को स्कूल में ला के भर्ती कराए, और जो उनका फंडामेंटल राइट है, राइट टू एजुकेशन, वो उनको दे। हमने अनमैप्ड मदरसों की मैपिंग के लिए आज निर्देश दिए। अनमैप्ड मदरसे वो मदरसे होते हैं
जिनकी जानकारी अमूमन सरकारों को नहीं होती, यहाँ भी सरकार को उनकी जानकारी नहीं है। हमने आज निर्देश दिए हैं कि एक महीने में ये मैपिंग संपादित करके हमको बताएं। मैं नाम तो बच्चे का नहीं बताऊंगा, लेकिन ये नाम जो है इशारा करता है कि बच्चा हिंदू है, और इसके साथ साथ इसको जो प्रेजेंट किया है बच्चे को वो फैज़ रहमान ने किया। फैज़ रहमान इज़ द ऑनर ऑफ गुड न्यूज़ इंडिया। फैज़ रहमान डन। He converted into Christianity. Sir, Odisha hasn't done a child labor survey for a very long time. देखिए, child labor के लिए जो आज हमको data दिया वो बेहद असंतुष्टि प्रद था, और उन्होंने बताया कि केवल 107 बच्चे उन्होंने rescue किए, which is really a sorry state of affairs and a state like Odisha. 107 कितने साल भर का data दिया उन्होंने, जो बहुत ही शर्मनाक स्थिति। उनको बोला है 20 नवंबर से 1 जनवरी तक एक बड़ा चाइल्ड लेबर के खिलाफ कैंपेन चलाने के लिए। आयोग सर्वे में यकीन नहीं करता, आयोग रेस्क्यू और रिहैबिलिटेशन में यकीन करता है, जो स्टेट गवर्नमेंट्स का काम है। सर्वे क्या होता है, आप जाएंगे, देखेंगे बच्चा काम कर रहा है, उसका नाम लिख के ले आएंगे। इसमें एक स्टेज और बढ़ जाती है, उस बच्चे को वहाँ से लेके चाइल्ड वेलफेयर कमेटी को प्रोड्यूस करना है। तो जब एडिशनल 10-15 मिनट लगाने में इतना हो सकता है, तो हम सर्वे क्यों करें? हमको बच्चों को इमीडिएटली रेस्क्यू करना चाहिए, और जो बच्चा बाल श्रम में नियोजित है वो सर्वे के बाद रेस्क्यू तक इंतज़ार क्यों करे? उसको तो एक मिनट भी पता चलने के बाद वहाँ नहीं छोड़ना चाहिए, इमीडिएटली रेस्क्यू और फिर रिहैबिलिटेट करना चाहिए। ये नंबर शर्मनाक है, उनको सख्त निर्देश दिए हैं कि इसको बढ़ाएं। ये कंडीशन है तो स्टेट एससीपीसीआर काम कर रही है, हमारे साथ आज थी, बैठे थे, मॉनिटरिंग में काम कर रही है।